हेलो सिक्स क्लास, ये हमारी चैप्टर नंबर 10 का वीडियो नंबर 2 होगा, ठीक है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ अ साइड 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सील्ड ऑल राउंड विद अ टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, बनाते हैं हम रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगल क्या होता है, दो साइड बराबर होती हैं और बाकी की दो साइड बराबर होती हैं, लेंथ लेंथ बराबर होती है और ब्रेथ ब्रेथ बराबर होता है। तो 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये भी 50 सेंटीमीटर होगा बॉक्स का, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा बॉक्स का, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर यहाँ से ब्रेथ होगी, 10 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी ब्रेथ होगी। अब देखो, बोल रहा है कि टेप आखिर, अगर ये बॉक्स है, यहाँ चारों तरफ से टेप लगाना है, तो बताओ कितना टेप का लेंथ क्या होगा। तो पैरामीटर निकाल देते हैं, आखिर यहाँ से यहाँ तक के जितना डिस्टेंस होगा उतना ही टेप लगेगा ना। तो हमने पढ़ा था कि ये पूरा डिस्टेंस अगर निकाल दे तो पूरा पैरामीटर आ जाता है, तो टेप भी उतना ही बड़ा लगेगा। तो हम लगाएंगे, लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, आंसर में लिखेंगे टोटल, बोला है लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड क्या होगा, ठीक है, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैसे, हमें क्या निकालना होगा टोटल लेंथ के लिए, हमें निकालना होगा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना होगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते तो लेंथ ऑफ टेप आ जाएगी, है ना। तो निकालेंगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फॉर्मूला लिखने को कहा था, क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b। l मतलब होता है लेंथ, b मतलब होता है ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो 2, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है 50, तो लिखेंगे 50। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 10, तो लिखेंगे 10, ओके। तो पहले क्या करते हैं, 50 को 10 में ऐड कर देते हैं, 50 10 क्या होता है 60, 60 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा इतने मीटर का टेप चाहिए, समझ में आ गया, यानी कि 10, द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज द टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज 120 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अब क्या है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, टेप निकालना था, रेक्टेंगल निकाले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ टू लेंथ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। बोला लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो बोला लेंथ ऑफ टेप कितना होगा, लेंथ ऑफ टेप क्या निकलेगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन खुद से करना, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 हो जाएगा। देखो लेंथ कितनी दी हुई है 34 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 23 सेंटीमीटर, और लेंथ एल कितना दिया हुआ है, तो यानी कि ये 34 है मेरा लेंथ और ये 23 है मेरा ब्रेथ, ठीक है। जब ये लेंथ और ब्रेथ है तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 × में l + b कर लेना, इसी तरीके से लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड आ जाएगा, वुडन स्ट्रिप। इसमें तो लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड था, उसमें आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, जो एज इट इज क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको देती रहूंगी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा, क्योंकि थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, अ टेबल टॉप मेजर, बोला एक टेबल टॉप का मेजर है इतना, ठीक है, 2m and 25cm, और दूसरा यानी कि ये लेंथ है और ब्रेथ कितना है 1m 50cm। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप। देखो इससे हमें क्या है, इससे हमें टोटल पैरामीटर पता नहीं चल रहा, ठीक है, इससे पता नहीं चल पा रहा कि मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, ओके। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, या तो मैं इसको, इस लेंथ को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं या मीटर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, इसको भी या तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। टेबल की बात चल रही है तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टेबल होता है, ठीक है। अगर कॉपी वगैरह होता तो हम सेंटीमीटर, पेंसिल वगैरह होता तो सेंटीमीटर, को नोटबुक होता या कोई दूसरी चीज़ होती सेंटीमीटर, पर इसको मीटर में चेंज करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्या है लेंथ ऑफ टेबल टॉप, पहले फिगर बनाते हैं, फिगर हम बाद में बनाएंगे, पहले आंसर करते हैं। क्वेश्चन लिख लेना, मैं आंसर करके बता रही हूँ आपको। ओके देखो, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ ऑफ टेबल टॉप। अब देखो लेंथ क्या है टेबल टॉप की, हमें दिया हुआ है ना उसको चेंज करेंगे। देखो लेंथ ऑफ टेबल टॉप क्या है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना। अब 2 मीटर तो है ठीक है, पर 25 सेंटीमीटर है। अब 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। हमने सीखा है चैप्टर में कि मीटर को सेंटीमीटर पे बदलने के लिए क्या किया जाता है, ये 2.5 मीटर हो जाएगा, तो ये ऐड कर देंगे तो 2.25 मीटर आ जाएगा। ये तो हमारी लेंथ हो गई। अब लिखेंगे ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप। ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप क्या है, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। क्या है, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है ना। अब देखो इसको भी बदलना है, किस में बचे हमें, इसमें इसको भी मीटर में बदलना है, तो हमें मालूम है 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहने दो, प्लस 50 सेंटीमीटर को यानी कि मीटर में बदलने के लिए 0 से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.50 आ जाएगा है ना, पूरा अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.50 मीटर। अब ऐड कर दो तो 1.50 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो टेबल टॉप है हमारा ये कितने का होगा, फिगर अब बनाते हैं हम, यानी कि टेबल टॉप जो होगा हमारा वो कितने का होगा, इसकी लेंथ होगी 2.5 मीटर एंड ब्रेथ होगी 1.50 मीटर एंड 1.50 मीटर। अब ये फिगर बन गया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप निकालना है, निकाल लो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप क्या होता है, 2 × L + P। तो 2 का 2, लेंथ कितना है 2.25 प्लस ब्रेथ कितना है 1.50, तो 2.25 एंड 1.50 5573, तो 3.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.75, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका, 7.50 मीटर आ जाएगा। ओके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तो यानी कि पेरीमीटर और टेबल टॉप हमारा ये रहा आंसर, 7.50 मीटर में हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से ना क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पहुंचते हैं। बोले रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा है रेक्टेंगुलर शेप का, वो है 0.8 किलोमीटर बाय 0.6 किलोमीटर, ईच साइड इज फेंस्ड विद 4 रो ऑफ वायर। बोला है देखो इतना मीटर का तो है, और साथ में बोला हो कि 4 रो वायर की लगानी है, 1, 2, 3, 4, 4 राउंड लगाना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। तो पहले देखो क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, पहले हम मेजर देख लेते हैं कितना है, 0.8 एंड 0.6 किलोमीटर है ना। तो 0.8 एंड 0.6 किलोमीटर में यानी कि फिगर पहले बनाते हैं आंसर। फिगर यानी कि क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, पीस ऑफ लैंड है ठीक है, जिसका लेंथ हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है, तो 0.8 एंड 0.8 है ठीक है, किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। ओके इसके बाद इसकी ब्रेथ कितनी है, 0.6 किलोमीटर एंड 0.6 किलोमीटर। बोल रहा है ना कि ये लेंथ है, इस पर 4 बार 4 राउंड लगानी है वायर की, बताओ कितनी वायर। तो देखो एक राउंड का तो हम पेरीमीटर निकाल देंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राउंड का निकल कर आ जाएगा। पहले तो एक राउंड का निकालेंगे पेरीमीटर से, एक राउंड का निकल जाएगा पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो 2 × L + B करके फिर उसको 4 बार वायर लगानी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब 4 बार राउंड लगाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा है ना। तो फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ लैंड। फॉर्मूला क्या है, होता है 2 × L + B। देखो 2, लेंथ कितना है 0.8,
प्लस ब्रेथ कितना है 0.6, तो 0.8 एंड 0.6 को ऐड करोगे तो 6, 6, 12, 12, 13, 14, तो आ जाएगा हमारा 1.2, है ना। हमारा आ जाएगा 1.4। जब 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 4 2 2 4 8 2 1 2, तो आ जाएगा हमारा 2.8 किलोमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं अब, पर ये देखो वायर तो किलोमीटर में तो नापेंगे नहीं, वायर तो मीटर में ही मेजर करेंगे हम, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे इसको कितने से, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 2.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके 28, अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये हमारा आ जाएगा पैरामीटर, एक्यूरेट पैरामीटर इन मीटर में आ जाएगा पैरामीटर, ओके। क्योंकि देखो कभी आपने देखा वायर को आप मेजर करो कि 1 किलोमीटर की तार दे दो, हम बोलते हैं 1 मीटर की तार दे दो, 2 मीटर की तार, ठीक है, तो वायर, ठीक है, 2 मीटर वायर, हम किलोमीटर में वायर को मेजर नहीं करते, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में। तभी हमने क्या किया, पैरामीटर निकाला, उस पैरामीटर को हमने मीटर में बदल दिया, तो ये हो गया 2800 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है द लेंथ ऑफ वायर, अपर क्या बोले, द लेंथ ऑफ वायर, पर बोल रहे देखो अगर एक बार वायर लगाई जाती तो यही आंसर होता, पर बोले 4 बार लगाना है, यानी कि 4 बार इस पैरामीटर को ऐड करना पड़ेगा, उतने ही बड़े बड़े 4 वायर नीड है, तो जब 4 बार नीड है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, ओके। तो 0 0 ये आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। मल्टीप्लाई ढंग से देख करते हैं, ये गलत रॉन्ग आंसर है, ओके। एक बार 28 को 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 4 32, 4 2 8, 8 9 10 11, तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर होगा ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 11,200 मीटर वायर नीड होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो होता है बच्चे कंप्लीट होता है, हमारे ये आंसर है, ये हम मीटर में लेकर आए हैं आंसर, ठीक है। और यही अगर किलोमीटर में आंसर दे देंगे तो किलोमीटर में हमारा आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, किलोमीटर में, ठीक है, पर हम मीटर में ही आंसर दे रहे थे क्योंकि हमने मीटर में चेंज किया है। तो इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे, फाइंड द पैरामीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, ये खुद से करेंगे, दिस इज अ होमवर्क। क्या करना है, रेक्टेंगल अ ट्राइंगल साइड, यही है, तो हमने देखो 3 4 5 ट्राइंगल की साइड है, बनाना ट्राइंगल, एक है 3, 1 है 4, 1 है 5, तो हमें क्या निकालना है, पैरामीटर, सबको ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने या पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना 8 को, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। एंड एन आइसोसेलिस ट्राइंगल विद द इक्वल साइड 7 ईच एंड थर्ड साइड इज साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड क्या है 7 7 और थर्ड साइड है 6, तो इसको ऐड कर देना आंसर आ जाएगा, ओके। पर ढंग से लिखना, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, और फिगर बनाना साइड के हिसाब से, ऑफ ए करना, दिस इज अ होमवर्क, नीट एंड क्लीन ट्राई करना क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, ओके।